नमस्कार दोस्तों, मैं कविता दीक्षित पीएमसी हिंदी का स्वाध्याय सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार किताब है मिर्दाद के साथ, इसके लेखक हैं मिखाइल नेमी। तो पिछली बार हमने ये जाना कि एक मठ की कहानी है जो कि नौका के शेप का है, जिसको आर्क बोलते हैं, जहाँ 9 साधु रहते हैं। और जब भी एक साधु की मृत्यु होती है, उस वक्त एक नया व्यक्ति द्वार पर मठ के आ जाता है और उसको वो लोग साधु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हजारों साल तक ये क्रम चलता है। तो जो नया व्यक्ति द्वार पर खड़ा होता है, वो बहुत दयनीय दशा में होता है। उसके तन पर कपड़े नहीं होते, भूखा प्यासा, चोटें लगी हुई। तो मठाधीश उस समय बड़ा निर्दयी और कठोर हृदय व्यक्ति था, जिसका नाम था शमदान। वो उसे अस्वीकार कर देता और फिर नौकर के रूप में बाद में लेता है। और इस नए अजनबी साधक जो नौकर के रूप में आता, इसका नाम था मिर्दाद। तो 7 साल तक बहुत सेवा करता है मिर्दाद, और 7 साल बाद, 7 साल में मठ की संपत्ति में बहुत इजाफा हो जाता है। बहुत मठ के पास बहुत धन संपत्ति, जमीन जायदाद एकत्रित हो जाती है। और 7 साल बाद जब वो अपनी चुप्पी तोड़ता है, तो सारे मठ के साथी उसके शिष्य बन जाते हैं, शमदान जो था मठाधीश उसको छोड़ के। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि मिर्दाद ने बताया कि मनुष्य जो है वो ईश्वर का रूप होते हुए भी क्यों दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो बंधनों में लिपटा हुआ है, आवरणों में लिपटा हुआ। और ये आवरण क्या है? ये आवरण है टाइम, स्पेस, काल का, समय का आवरण है, देश का आवरण है। और ये आवरण है हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों से, के ज्ञानेंद्रियों और इनसे दिखने वाली सारी चीज़ें। और ये आवरण हर पल बदल रहे हैं, हर समय, हर उम्र के साथ ये बदलते चले जा रहे हैं। तब इन आवरणों से हम कैसे मुक्त हों? उसको मुक्त होने के तरीके बहुत ही प्यारी शिक्षाओं में मिर्दाद ने दिया है। उसने बताया कि जो ईश्वर का दुनिया है, ईश्वर का जो शब्द है, वो क्या है? वो एक क्रूसिबल की तरह है। अब क्रूसिबल क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें डाल के हम गर्म करते हैं और एक सार कर देते हैं। तो ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर की जो दुनिया है, वो क्या है? वो उसमें सब कुछ एक है। ईश्वर कभी किसी को अस्वीकार नहीं करता कि तुम अच्छे हो और तुम बुरे हो, तुम लायक हो और तुम नालायक हो। उसके लिए सब वो जानता है कि उसके सब में उसी का अंश, सब में वही है। तो किसी एक को अस्वीकार करना यानी अपने आप को अस्वीकार करना। इसलिए वो सबको जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। जबकि मनुष्य की जो दुनिया है, मनुष्य ने क्रिएट की, वो क्या है? वो एक सूप की तरह है। एक सूपा होता है जिसमें हम डाल के ऐसे चीज़ों को फटकते हैं और छिलके बाहर निकाल देते हैं और अच्छा अच्छी चीज़ें अंदर रख लेते हैं, कीड़े बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से मनुष्य ने अपनी दुनिया को बनाया हुआ है। तो वह क्या करता है कि हर चीज़ें जो है पकड़ता है, अच्छी चीज़ ये है, इसको मैं ले लेता हूँ, ये ख़राब है, इसको निकाल देता हूँ। और ये हर वक्त चलता रहता है। तो आज तुम मेरे मित्र हो, कल तुम मेरे शत्रु हो जाओगे, परसों फिर से तुम मेरे मित्र बन जाओगे। तो मिर्दाद कहता है कि इस तरह से एक युद्ध चल रहा है, और वो बड़ा ही क्रूर युद्ध है, जो कि फ्रूटलेस है, परिणाम रहित है, जो कि मनुष्य ने अपने खिलाफ छेड़ा हुआ है इस सब में। और ये मिर्दाद का कहना है कि जिसको आप नापसंद करते हो, आप कहते हो दुष्ट है, शत्रु बना के उसको हटा देते हो अपनी ज़िंदगी से, दूसरे ढेर सारे लोग उसको मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे अच्छा कहते हैं। तो ये स्वीकार और अस्वीकार करने वाला कौन है? ये आपकी मैं है, जो अहंकार युक्त मैं है। ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु है। आपकी मैं ही उसे मित्र या शत्रु में बदल देती है। तो इसलिए मिर्दाद कहता है कि मैं कहता हूँ कि अगर प्रार्थना करनी है तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना करो साथियों, और वो है जो दिव्य ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है। वो दिव्य ज्ञान जब आएगा तो क्या होगा? आप वो सूपे छन्नी सारे अपने जला दोगे, ठीक है ना? आप कभी भी किसी को अच्छा या बुरा, स्वीकार अस्वीकार की दृष्टि से नहीं देखोगे। और जब आप ऐसा करोगे
तब आपके इतना विशाल, इतना महान आपका व्यक्तित्व होगा, अस्तित्व होगा कि कोई आपको किसी सूपे में, किसी तराजू में तौल नहीं पाएगा, कोई आपको रिजेक्ट, अस्वीकार नहीं कर पाएगा, इतना महान हो जाएगा आपका अस्तित्व। तो इसलिए मिर्दाद कहता है कि सारे आवरणों को निकाल के फेंको। कौन से आवरण? समय का आवरण जिसमें आप लिपटे हुए घंटों में गिन रहे हो, और स्पेस का आवरण, ये इतने इंच है, ये इतने किलोमीटर, इनको भी सबको निकाल के फेंक दो। सब कुछ अनंत है, कहीं कुछ नहीं है, मिर्दाद का कहना है। उसके बाद कौन सा आवरण है? मृत्यु का, जीवन का, जो आप कहते हो, निकाल दो अपने डेथलेस सेल्फ को, जिसको हम मृत्युंजय बोलते हैं, उसको पहचानो मित्रों, मिर्दाद कहता है। अब आगे मिर्दाद बोलता है कि एक बहुत ही सच्ची बात आपको जानना जरूरी है, और वो ये है कि ये जो आप अपने आप को कह रहे हो, मैं, ये मांस मज्जा अस्थि से बने हुए आप हो, ये आप नहीं हो अकेले, क्योंकि पिछले हजारों लाखों करोड़ों साल में इस धरती पर जितने भी जीव हुए हैं और इस धरती में मिले और जिस धरती से आप बने हो, उन सब का अंश आपके अंदर है, इसलिए आप अकेले नहीं हो। इसी तरह से जो रोशनी आप अपनी आँखों से देख रहे हो, ये आपकी अकेले की नहीं है, सारी धरती जो है इस सूर्य की रोशनी को आपके साथ शेयर कर रही है। इसी तरह से जो सांस आप ले रहे हो, वो आपकी अकेले की नहीं है, क्योंकि जो आपसे पहले लाखों करोड़ों अनंत जीव आके सांस लेके पेड़ पौधे चले गए या ले रहे हैं, आप उनके साथ अपने सांस को शेयर कर रहे हो। और इसी तरह से आपके विचार भी आपके नहीं है, क्योंकि विचारों का एक समुद्र है जिसमें विचार आ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो आप तक आ रहे हैं। इसलिए आप ये बोलना छोड़ दो, मैं और मेरा। कहते हैं कि आपकी जो जिद मैं और मेरा है, वो क्या है? वो उस तरह से है कि जैसे एक समुद्र से भाप बन के एक बादल उठा, अब वो बादल जिद करे कि मैं इसी शेप को, अपने इस रूप को बना के रखना चाहता हूँ, इस स्थिति को बना के आसमान में इसी जगह में रहूँगा और इसी रूप में रहूँगा, अगर वो बादल जिद करे, तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण जिद होगी, मिर्दाद का कहना है। क्योंकि जब तक वो बादल अपने रूप को खो नहीं देगा, उस समुद्र में वापस मिल नहीं जाएगा, वो कभी अपने आप को नहीं पा पाएगा। तो मनुष्य की मैं और मेरा ये चित्त इसी तरह से है, और इसी तरह से वो उसको परेशान कर रही है। तो मिर्दाद कहता है कि जब इन सब आवरणों को आप हटा दोगे, जला दोगे, तो क्या होगा? फिर मृत्यु आपके हाथ में एक खिलौने की तरह हो जाएगी। इतना सब बोलने के बाद जो है शमदान जो है व्यंग करता है मिर्दाद के ऊपर कि अरे, इतने ज्ञान के, इतने कठिन शब्द इस झाड़ू और पोंछे के मुंह से निकल रहे हैं। तो मिर्दाद कहता है कि मेरे शब्द तो बहुत आसान है शमदान, तुम्हारे कान ही कठिन है। और मुझे बहुत दुख होता है जबकि आदमी सुनकर भी नहीं सुन पाता और देखकर भी नहीं देख पाता। तो शमदान कहता है कि क्या नौकर और मालिक कभी एक समान हो सकते हैं? इस पर नौकर और मालिक के ऊपर मिर्दाद ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं, फ्रेंड्स सुनिए। मिर्दाद कहता है कि शमदान, क्या मैं तुम्हारा अकेला नौकर हूँ? नहीं, इस सृष्टि में एक एक पक्षी और हवा, पानी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब कुछ तुम्हारे नौकर हैं शमदान। और तुम अकेले स्वामी नहीं हो इस सृष्टि का, एक एक पक्षी, एक एक पेड़, एक एक वस्तु, पदार्थ, पत्थर, मनुष्य, सब तुम्हारे स्वामी। ये बहुत सुंदर बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप अपना काम करते हो, कोई भी पेड़ अपना काम करता है, सांस ले रहा, वो अपने लिए नहीं ले रहा, वो सारे इस धरती के लिए ले रहा है। कितने लोग उससे जो है अपनी, उसकी दी हुई ऑक्सीजन के ऊपर जीवित है, ये चल रही है धरती। इसी तरह से मनुष्य जब अपना काम करता है, तो वो अपने लिए नहीं करता, वो सबके लिए करता है। इसलिए सब एक दूसरे के मालिक हैं और सभी एक दूसरे के नौकर हैं। मिर्दाद कहता है कि अगर हमारा सर और हमारा पेट आपस में कहे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो कैसा रहेगा? क्योंकि सर हमारे पेट का मालिक है और पेट हमारे सर का मालिक है, एक दूसरे के लिए ही है। इसलिए मिर्दाद कहता है कि जो तुम्हारे स्वामी का तुम्हारे अंदर घमंड है कि मैं स्वामी हूँ, उसको तुम नष्ट कर दो, क्रश कर दो। और जो नौकर होने की शेम है, शर्म है तुम्हारे अंदर, उसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि यहाँ हम सब भाई भाई हैं, ना ही कोई नौकर है,
ना ही कोई मालिक है, अपने हृदय में ढूंढो। मिर्दाद कहता, सारे बंधनों को हटा दो, आवरणों को फेंक दो और अपने हृदय में उसको ढूंढो, इन बंधनों में लिपटा हुआ जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वहाँ पर अब तुम्हारे हृदय में बहुत अनंत शांति है और उस शांति में ही ईश्वर है, उस शांति से ही सब कुछ निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक बार रात को मिकेयन और नरुंदा नाम के दो शिष्य हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, तो वो मिर्दाद के कमरे में जाते हैं ये जानने के लिए। उनके अंदर उत्सुकता होती है कि मिर्दाद तुम कौन हो, उससे पूछते हैं। तो मिर्दाद क्या वो मिकेयन पूछता है, क्या तुम भगवान हो, गॉड हो? तो मिर्दाद कहता है कि जब मैं मनुष्यों के साथ होता हूँ तो मैं भगवान हूँ, और जब मैं ईश्वर के साथ होता हूँ तो मैं मनुष्य हूँ। तो मिकेयन कहता है कि ये तो बड़ी ईश्वर के खिलाफ जैसे तुमने कोई बात कह दी, प्रति कोई अच्छी बात नहीं है ये। तो मिर्दाद कहता है कि तुम्हारे ईश्वर के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन मेरे ईश्वर के तो साथ है ये बात। तो मिर्दाद कहता है क्या, मिकेयन कहता है क्या हमारे ढेर सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं? तो मिर्दाद कहता है ईश्वर तो एक ही है। ये बहुत गहरी बात है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन मनुष्यों की छाया बहुत है, जो परछाइयाँ हैं मनुष्य की वो बहुत है। तो जब तक जितनी छाया मनुष्य की है उतने उसके ईश्वर हैं, और जिस दिन मनुष्य जो है वो शैडोलेस हो जाएगा, जिसकी कोई परछाई नहीं होगी, पूरी तरह से प्रकाश में आ जाएगा वो, उस दिन उसका एक ही ईश्वर बचेगा। तब तक विभिन्न तरह के ईश्वर जो हैं उसके बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस वक्त आदमी के अंदर प्रकाश हो जाता है, वो प्रकाश में आ जाता है, सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है और वो ईश्वर के साथ एक हो जाता है। ये बहुत गहरी बात मिर्दाद ने कही है। वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति अब्लेज हो, अंदर से अग्नि उसके अंदर जल रही हो, इसकी दिव्य ज्ञान की अग्नि जल रही है, उसने सारी परतों को हटा दिया, वो समझ गया कि वो कौन है, उसके बाद कहीं कोई छाया उसकी नहीं रहेगी। तो जो मनुष्य थोड़े थोड़े से प्रकाश में है उनकी छाया है, और जब तक उनकी छाया है उनके ईश्वर जो है विभाजित है। बहुत सुंदर बात है। तो वो पूछता है मकेयन कि तुम कौन से देश के हो, कहाँ के रहने वाले, तुम्हारे पूर्वज कौन है? तो मिर्दाद कहता है कि मेरा देश, जिस व्यक्ति का सारी सृष्टि ही देश हो, वो अपने देश को क्या बताएगा, और जिस व्यक्ति का पूर्वज ईश्वर हो, वो अपने पूर्वजों के बारे में क्या कहे? तो वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम अदृश्य कप्तान हो, क्या तुम, ये प्रलय आने वाली है यहाँ पे धरती पे? तो मिर्दाद कहता है कि प्रलय से ज़्यादा कठिन समय हमारी धरती इस समय देख रही है, लहू लुहान है हमारी धरती। तो तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग सेवा के लिए तैयार हो जाओ, बी स्टडी, मेक रेडी। वो कहता है कैसे? वो कहता है कि जो यहाँ पे धरती में जो निर्बल है, दुखी मनुष्य है, वो दूसरे निर्बल मनुष्यों के लिए तो निर्बल है, लेकिन जो व्यक्ति सबल है, जो स्ट्रांग है, उसके लिए तो एक साधन है अपने आप को और स्ट्रांग बनाने का। तो जब आप लोगों की सेवा करते हो, निर्बल मनुष्यों को सहायता देते हो, आप और सबल होते चले जाते हो। वो उनको तो आप स्ट्रेंथ देते हो, साथ में आपके अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ आती। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, आप और भरपूर होते चले जाते हो। इसलिए ढूंढो ऐसे व्यक्तियों को, उनकी सेवा करो, और ये सब तब तक करते रहो जब तक कि आपका एक शब्द, हर शब्द प्रार्थना बन जाए। आप सेवा करो, आप लोगों को सबल बनाओ और प्रकाशमय करते जाओ इस धरती को, क्योंकि इसको, धरती को इस समय इसी चीज़ की ज़रूरत है। अब आगे चैप्टर आता है फ्रेंड्स, जिसमें कि सातों जो उनके शिष्य हैं वो मिर्दाद को ढूंढते हुए उस गुफा तक जाते हैं, जिस गुफा का जिक्र मैंने शुरू में किया था, जिसका नाम एरी रखा गया है। तो मिर्दाद उनसे कहता है कि आखिर तुमने अपने घोंसले को ढूंढ ही लिया। तो एक शिष्य है अभिमान नाम का, वो कहता है कि हमारा घोंसला तो वो मठ है जहाँ हम रहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारा मठ तो अब एक चूहे के बिल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो उनको, उसको बुरा लगता है। वो कहता है क्यों, वहाँ अखंड ज्योति जलती है, वहाँ साधना करते हैं, और क्या तुम्हें पता है कि हमारे मठ के पास कितनी धन संपत्ति है, एक राजा के राज्य से ज़्यादा हमारा राज्य फैला हुआ है।
और धन सोने चांदी से भरा हुआ है हमारा मठ। तो मिरदाद क्या कहता है? मिरदाद कहता है कि चूंकि वो सोने चांदी से भरा है, इसलिए वो ठीक से तैर नहीं पा रहा है। नौका तुम्हारी उभार से दबा हुआ है, क्योंकि जब जो नौका थी ओरिजिनल, जो मदर आर्क जिसको बोलता है, जिसमें नोआ बैठ के आया था, उसमें क्या था? उसमें जीवंतता थी, उसमें ईश्वर था। तो वो प्रलय में भी 5 महीने तक तैरती रही। तो वो कहता है कि देखो मठ के साथियों, ये सोना चांदी, ये जितने भी क्या कहना चाहिए, तुम्हारे पजेशंस हैं, तुम्हारी संपत्ति है, ये एक मृत भार की तरह है तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हें नीचे खींचता है। तुम सोचते हो कि तुमने इसको पकड़ा है, लेकिन इसने तुम्हें पकड़ा है। इसीलिए इस मृत भार को अपने ऊपर से हटा दो, क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा, वो कभी भी इस मृत भार को इकट्ठा नहीं करेगा। मिरदाद कहता है कि किसी भी चीज़ पर की कीमत नहीं लगाना कभी, क्योंकि जिन चीज़ों की, जो चीज़ें जीवन के लिए सबसे मूल्यवान हैं, सूर्य, धरती, वायु, पानी, उनकी कभी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। कीमत केवल उन चीज़ों की लगाई जा सकती है जो कि बहुत छोटी हैं, जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरह से मिरदाद कहता है कि जो मनुष्य के हृदय की सरलता है, उसकी कभी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और मनुष्य के जीवन की कभी कोई कीमत नहीं लगा सकती। अपने जीवन को कभी इतना सस्ता मत समझना कि सोने और चांदी में उसको तोलना, मिरदाद अपने साथियों से कहता है। और ये कहता है कि तुम कहते हो कि हमारी सीमाएं राज्य जैसी फैली हुई हैं, तो क्या तुम अनंतता की कोई सीमा लगा सकते हो इस अनंत ब्रह्मांड की? क्या है, बोलते ये पूरा जो समुद्र है, महासमुद्र, ये क्या है? एक ड्रॉप के अलावा पानी की ये और कुछ भी नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड के आगे। और मिरदाद कहता है कि क्या तुम मनुष्य की सीमा देख सकते हो? इस शरीर को, फिजिकल शरीर को कभी सीमा मत मानना, क्योंकि मनुष्य एक इतना विशाल अस्तित्व वाला प्राणी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मिरदाद कहता है कि चूहा जब बिल खोदता है, तो वो सोचता है कि वो बहुत अंदर गहरे में जा रहा है, ढेर सारा अंदर वो बना लेता है अपने। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जितनी गहराई में जा रहा है, उतना ही वो प्रकाश से दूर होता जा रहा है? तो हम जब इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करते हैं, हम उतना ही अपने आप को प्रकाश से दूर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मिरदाद कहता है कि अगर तुमको बिल बनाना ही है, तो धरती पे मत बनाओ, सूर्य पे बनाओ, और दूसरे तारों पे जाओ, ग्रह नक्षत्रों पे जाओ, इस अनंत अंतरिक्ष में विचरण करो, इसमें बनाओ तुम बिल, तब तुम अपने आप को जान पाओगे। अगर अपने आप को जानना है, मिरदाद कहता है, तो तुमको एक आंख भी चपकाने की जरूरत नहीं है, वैसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको चुपचाप शांति से बैठने की ज़रूरत है, और आपने रॉयल रोड जो आपकी राजसी मार्ग है आपका, वो खुल जाएगा, कहता है। क्योंकि आपका जो गाइड डिवाइन है, जो आपका मार्गदर्शक है, दिव्य मार्गदर्शक, वो हर पल आपके साथ है, वो आपको ले जाएगा ऐसे रास्तों पे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और ऐसे खजाने आपके सामने खुलेंगे जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर है मनुष्य का अस्तित्व, इतना सुंदर है ये मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, इस ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप, मिरदाद कहता है। तो ये कहते हैं कि अपने दिव्य जो सारथी है, उसको पूरे साहस के साथ उसके साथ चल पड़ो साथियों, मिरदाद कहता है। हो सकता है कि दूर कहीं तुम्हें अपने पद चिन्ह मिल जाए किसी सितारे पर, और ये जान लेना जब मिलेंगे ये पद चिन्ह कि तुम कभी आए थे यहाँ इन पद चिन्हों को बनाने के लिए। इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, इसको सुन के मैं एकदम पुलकित हो जाती हूँ अंदर से। मिरदाद कहता है कभी ये मत सोचना कि जो अंधेरा है ये चीज़ों को ढक रहा है, ये बहुत है अंधेरा, गुप्त अंधेरा, और कुछ भी ऐसा करोगे अंधेरे में तो वो छुप जाएगा, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं, केवल अलग अलग डिग्री की रोशनी है। सिर्फ ये अंधेरा जो हमें दिख रहा है, ये हमारे
मस्तिष्क में, हमारी माया में, हमारी परतों में अंधेरा है। क्योंकि मेरदाद कहता है कि जब एक फीनिक्स नाम का पक्षी है, जब तुम्हारा दिन होता है तब फीनिक्स के लिए गोधूली बेला शाम हो रही होती है। ऐसी मेढक है, जब तुम्हारा रात होती है गुप्त अंधेरा, तब मेढक के लिए एक दिन होता है, सूर्य की रोशनी चमक रही होती है उसके लिए। तो इसलिए मेरदाद कहता है कि अपने आप को कभी कम मत आंकना साथियों। तो जो इसके साथी हैं, मठ के साथी, वो कहते हैं कि हमको फ्रीडम का रास्ता बताओ, स्वतंत्रता का मार्ग बताओ, और जहाँ पे हमको कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो। तो मेरदाद कहता है कि स्वतंत्रता का रास्ता ये है कि हर वक्त जो तुम विचार सोचो, वो ऐसे सोचो कि सारे विचार जो है तुम्हारे आकाश पर लिखे हुए हैं। किससे? अग्नि से, फायर से लिखे हुए हैं विचार, क्योंकि वाकई में, सच्चाई में ऐसा ही होता है। और जब तुम कोई शब्द बोलो तो ये सोच के बोलो कि ये सारे शब्द हर व्यक्ति को सुनाई दे रहे हैं, हर 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 प्राणी मात्र को ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि वाकई में ऐसी यही सच्चाई है। और जब भी तुम कोई काम करो तो ये मान के चलो कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ, इसका भार मुझे ही उठाना है, अच्छा या बुरा ये सब मेरे ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि सच्चाई में ऐसा ही है। और कभी भी तुम कोई इच्छा करो, विश करो किसी के लिए भी, तो ये मान के चलना कि ये इच्छा जो है ये मैंने अपने लिए की है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। तो ये कहते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे जियो जैसे ईश्वर जीता है, जैसे ईश्वर का जीवन हो सकता है, होता है, तुम्हें वैसे ही जीना है, क्योंकि सच्चाई में ऐसा ही है मेरे मित्रों। तो फ्रेंड्स, बनोन नाम का शिष्य जो है वो पूछता है मेरदाद से कि क्या जजमेंट डे आ गया है। जजमेंट डे यानी कि ऐसा दिन जहां हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो बनोन पूछता है कि क्या जजमेंट डे आ चुका है। तो मेरदाद कहता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर का नियम जो है वो है एकत्व का नियम, और वो सेल्फ एनफोर्सिंग है, उसे कोई लगाने वाला नहीं है, वो अपने आप में चलता रहता है। और वो कहता है कि मनुष्य और ईश्वर ऐसे अलग अलग दो नहीं है, ये ईश्वर मनुष्य है, मनुष्य ईश्वर है। आप समझे ना फ्रेंड्स, कैसे मनुष्य ईश्वर का रूप है या ईश्वर मनुष्य के रूप में है, बस बहुत इतनी सिंपल सी बात है ये तो, और है लेकिन बड़ी गहरी बात। तो कहते हैं कि ईश्वर के नियम जो है, ईश्वर के दुनिया में सब एक है, लेकिन मनुष्य की दुनिया में क्या है, द्वंद्व है, ड्यूअलिटी है। और ड्यूअलिटी होने से क्या है, पाप है, पुण्य है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है। और मनुष्य इसी तरह से हर वक्त चीज़ों का मूल्यांकन करता रहता है और इस तरह से अपने आप को परेशान करता रहता है। तो मेरदाद कहता है कि आप मनुष्य वैसे ही गड्ढे में, गर्त में गिरा हुआ है, और ऊपर से वो मूल्यांकन भी करता रहता है। तो ये कैसी स्थिति है मनुष्य की? ये ऐसी स्थिति है, बड़ी हास्यास्पद भी है, जैसे कि दो फांसी के कैदी बैठे हों और वो आपस में लड़े और फिर वो एक दूसरे कहें कि जा जा तुझे फांसी हो जा, पहले ही फांसी मिली हुई है। या फिर दो बैल जो कि कटने चले जा रहे हैं और वो कहें एक दूसरे से जाओ तुम्हें काटा जाएगा। तो ये मनुष्य की स्थिति है जजमेंट की। तो मेरदाद कहता है कि सारे जजमेंट्स को तुरंत छोड़ दो, जाने दो अपनी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि आपका जीवन, मनुष्य का जीवन वैसे ही बहुत कठिन है, बहुत सारा भार मनुष्य ने अपने कर्मों का, जजमेंट्स का अपने ऊपर ढो रहा है मनुष्य, जिसके भार से वो दबा जा रहा है। रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, चलने में बड़ी दिक्कत है, पहले ही इतनी दिक्कत है, ऊपर से जितने बार भी मनुष्य एक जजमेंट करता है वो और बहुत सारा भार अपने ऊपर लाद लेता है। तो इस भार को कैसे कम किया जाए? इस भार को कम करने का एक ही तरीका है कि जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो दिव्य ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको अपना गाइड बना लो, उसको अपना मार्गदर्शक बना लो, और बस जब वो रास्ता दिखाए, जो रास्ता वो दिखाए, बस वहाँ चलते चले जाओ। उससे क्या होगा कि जीवन बहुत ही आसान, सरल, सहज हो जाएगा आपका। तो लेकिन बनून फिर भी पूछता है कि लेकिन फिर भी जजमेंट डे तो होगा कभी ना कभी। तो मेरदाद कहता है कि हर दिन, हर पल जजमेंट डे है,
क्योंकि ये कहते हैं कि हर प्राणी का हिसाब किताब, कर्मों का अकाउंट हर पल एक आंख की पलक के साथ लिखा जा रहा है, होता जा रहा है हिसाब किताब। और आपके हर विचार का, आपके हर कार्य का और आपके हर शब्द का रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। और आप इसको अच्छे से जान सकते हैं अपने जीवन में। कैसे जान सकते हैं? मेरे दाद कहता है कि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आता होगा कि दिन बड़ा ही सुंदर निकलता, बड़ा ही प्यारा, सब कुछ अच्छा निकलता। वो दिन कौन से दिन है? वो दिन है जब आपने ईश्वर के अनुकूल कार्य किए, उसके साथ थे आप। फिर उसके बाद कई कई दिन ऐसे होते हैं जब थोड़े बादल छाए रहते हैं, उतने अच्छे नहीं रहते। तब वो दिन कौन से हैं? जब आप तंद्रा में थे, अधजगी अवस्था में थे, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। और लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि बड़े ही कठिन होते हैं, उलट पुलट हो कर देते हैं आपको, वो आंधी तूफान जैसा लगता है आपको जीवन में आ गया। वो दिन कौन से दिन है? वो दिन है मित्रों जो कि आपने ईश्वर के प्रतिकूल कार्य किया, वो दिन कठिन दिन होते हैं आपके जीवन के। तो मिरदाद कहता है कि इस दुनिया में आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के कार्य करना है, विचार करना है, अपने शब्द निकालना है, क्योंकि आपका तुरंत ही परिणाम आपके सामने आ जाता है। तो जी मिरदार अपने उनसे कहता है, साथियों से कहता है कि अब मैं तुमको इन नियम कानून के, जो कायदे कानून है प्रकृति के, मैं उनकी शिक्षा दूंगा तुमको। और तुम्हें ये शिक्षा, बहुमूल्य जीवन की शिक्षा, सब सब और बांटनी है। तो उसका शिष्य पूछता है जमोरा कि क्या है ये नियम कानून? तो मिरदाद कहता है कि लव इज द लॉ ऑफ गॉड। ईश्वर का नियम क्या है? ईश्वर का नियम है प्रेम। और आपको जीवन क्यों मिला है? आप क्यों जी रहे हैं अपना जीवन? ताकि आप प्रेम करना सीख सको। बस एक ही लेसन है इस जीवन में आपके लिए, आपको प्रेम करना सीखना है। और किससे कब प्रेम करना है ये भी सीखना है। तो मिर्जा कहता है कि जब अगर आप कहते हो कि बस ये पत्ती जो है मुझे पेड़ की, एक पेड़ है, आप कहते हो ये पत्ती बड़ी सुंदर है, इससे मैं प्रेम करता हूँ, तो फिर उस शाखा का क्या जिसमें से वो पत्ती निकल रही है, और उस तने का क्या जिसमें वो शाखा लगी हुई है, और उन जड़ों का क्या जो कि पोषण दे रही है तने को, शाखा को, पत्ती को, और उस मिट्टी का क्या जहाँ से वो पोषक तत्व आ रहे हैं, और सूर्य का क्या, और वायु का क्या, और पृथ्वी का क्या जो इन सबको पोषित कर रही है, जल का क्या। तो मिरदार कहता है कि इसको बांटा नहीं जा सकता, प्रेम को। आप एक जीवन का वृक्ष हो, मिरदार कहता, और उस वृक्ष में आप चाहते हो कि सुंदर सुंदर पत्तियां लगे, फूल लगे, फल लगे, सुगंधित मीठे फल लगे। तो वो कैसे लगेंगे? वो जो पोषण जो नीचे से आ रहा है, जो रस, जो सैप कहते हैं, वो सैप जब मधुर होगा तो आपका पेड़ भी सुंदर फल देगा, सुंदर पेड़ होगा। और वो सैप क्या है, वो रस क्या है जो पेड़ में दौड़ रहा है, आपके जीवन रूपी वृक्ष में जो दौड़ रहा है? वो सैप है लव, प्रेम। प्रेम ही हमारे जीवन को मधुर बना रहा है, वो हमारी रगों में दौड़ रहा है, और उसकी वजह से ही सब कुछ सुंदरता है हमारे जीवन में। फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं कि इस प्रेम को कभी भी रोकना मत, मिरदाद कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप उसको, प्रेम को रिप्रेस करने की, दबाने की, उस जो सैप है जीवन का, जो आपके अंदर रस बह रहा है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जब आप खून को दबाने की, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें पॉइजन हो जाता है, उसमें जहर में बदल जाता है, पस बन जाता है। वैसे ही वो रस भी जब आप प्रेम को अपने दबाते हैं तो वो क्या होता है, वो पस बन जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं से निकलता है, और तब आप कहते हैं कि ये जी मेरे जीवन में कहाँ से आया। तो प्रेम के लिए मेरी कहता है कि या और कोई भी प्रेम इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहला प्रेम है खुद को प्रेम करना, स्वयं को प्रेम करना। क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं को प्रेम करते हो तभी आप सबको प्रेम कर पाते हो, क्योंकि आप में ही सब कुछ स्थित है। जैसे मिरदाद उदाहरण देता है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर अपने आप को प्रेम करता है, क्योंकि हम सब उसी में स्थित हैं। तो
तो वो जितना अपने आप को प्रेम करता उतना ही हमको प्रेम करता है। है ना, सुंदर बात। ये कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि मैं, ये मेरी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ बाप है, फ्रेंड है, ये रिश्तेदार है, मैं इसको प्रेम करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, तो आप ईश्वर के प्रतिकूल कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना प्रेम सब और बराबरी से बांटना होगा। मीरदाद कहता है कि अगर आपका एक भी शत्रु है तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी मित्र नहीं है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि अगर आप वृक्ष हैं और आप प्रेम से भरपूर हैं, लबालब हैं और सबको भरपूर कर रहे हैं, सारे अपने फलों को, पत्तों को, लेकिन एक छोटा कीड़ा है जिसको कि आप कहते हो कि नहीं, इसको मैं नहीं दूंगा प्रेम, तो क्या होगा? आपके जीवन में वही कीड़ा कड़वाहट लेके आ जाएगा, वही कीड़ा आपका जीवन का जो पर्पस है, आप क्यों आए हो यहाँ पर, उसको व्यर्थ कर देगा। तो मीरदाद कहता है कि प्रेम जो है वो कोई गुण नहीं है, प्रेम हमारी आवश्यकता है, और कितनी ज़्यादा आवश्यकता है कि रोटी और पानी से ज़्यादा आवश्यकता है मनुष्य के लिए प्रेम, प्रकाश और वायु, लाइट और एयर से ज़्यादा आवश्यक है मनुष्य के लिए प्रेम। और प्रेम जो है उसमें कुछ लेन देन नहीं है, ना कोई खरीदता है ना बेचता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेम देते हो आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम मिल जाता है। और ऐसे ही मीरदाद कहता है प्रेम में कम और ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप कम ज़्यादा करते हो प्रेम वहाँ से छुमंतर हो जाता है, नदारद हो जाता है। मीरदाद कहता है मैं कई बार सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि वो प्रेम में अंधा हो गया, इसलिए उसको उसका सामने वाले का कोई अवगुण दिखाई नहीं दे रहा। ये बिल्कुल गलत बात है, मीरदाद कहता है, क्योंकि उस प्रेम में जब आदमी पड़ता है उसकी दृष्टि और साफ हो जाती है, उसे सामने वाले के सारे अवगुण दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन अवगुणों के साथ उसको स्वीकार करता है क्योंकि वो उसको प्रेम करता है। जैसे ईश्वर, उन्हें हमारे सारे अवगुण पता है लेकिन वे हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे सारे अवगुणों के साथ हमें स्वीकार करते हैं। तो प्रेम जो है वो बांधता है, मीरदाद का कहना है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे ये धरती है, धरती माँ, धरती जो है वो किससे बनी हुई है? ये प्रेम से बनी हुई है। और ऐसे मनुष्य का शरीर है वो बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ? हम अपने एक एक सेल को बहुत प्रेम करते हैं, ये भी प्रेम से बंधा हुआ है। तो मीरदाद कहता है कि लव इज़ द ओनली वंडर वर्कर, ये एक अलादीन के चिराग की तरह है प्रेम, है ना, वंडर, मैजिक, जादू करता है प्रेम। जहाँ भी आप प्रेम करते हो वहाँ जादू हो जाता है। तो उसके बाद मीरदाद कहता है अपने दोस्तों से, जमूरा से, कि जमूरा तुम मेरी वीणा लाओ, मुझे एक गीत गाना है। और वो गीत बड़ा ही सुंदर है, मैं आपको उसका अर्थ बतलाती हूँ। गीत है गॉड इज योर कैप्टन सेल माई आर। मीरदाद कहता है कि मेरी नाव तुम चली चलो क्योंकि ईश्वर तुम्हारा कप्तान है। वो कहता है कि भले ही कितना भी आग उगल रहा हो आसमान धरती और कितना भी कठिन हो रहा हो रास्ता, लेकिन चूंकि ईश्वर तुम्हारा कप्तान है तुम आराम से चलो मेरी नाव। फिर वो कहता है कि लव इज योर कैंपस प्लाई माई आर, जो हम दिशा सूचक यंत्र है मेरी नाव का, वो क्या है? वो प्रेम है, प्रेम मुझे रास्ता दिखा रहा है। तो वो कहता है कि चाहे कितना भी आंधी तूफान आ रहा हो समुद्र में, हमारी नाव जहाँ जा रही है, वो तूफान हमें यूं उठा के अपने सीने पे और पार करा देगा। क्यों? क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कौन है? वो प्रेम है मेरी नाव को। तो कहता है सेल माई आर। और फिर वो कहता है कि फेथ इज योर एंकर राइड माई आर, जो विश्वास है प्रभु के प्रति, अटूट विश्वास, वो मेरा एंकर है, वो मेरे मुझे एक लंगर की तरह स्थिर किए हुए है। तो चाहे धरती डोल रही हो, पहाड़ टूट रहे हो, लेकिन मैं स्थिर हूँ अपनी जगह। क्यों? क्योंकि मुझे स्थिर करने वाला मेरा विश्वास है। और फेथ इज माई एंकर राइड माई आर, वो मुझे अपनी जगह स्थिर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत बात है ये कि अगर हमारे पास प्रेम है और हमारे पास विश्वास है प्रभु के प्रति, तो हमारी नाव जो है सारी कठिनाइयों को पार करती हुई आराम से निकल जाएगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।